देखिए, एयरटेल कैसे जियो को पीछे छोड़ रहा है और जियो अपने इंटरनेट के दाम लगातार क्यों बढ़ाता जा रहा है, तो यही इसके डाउनफॉल की स्टार्टिंग है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी महंगाई के उस दौर में जियो 4G के सस्ते प्लान्स ने अपनी ओर आकर्षित किया था, जब फोन के महंगे बिल्स आपकी जेबें खाली कर रहे थे? मतलब आज से वही लगभग कुछ 4-5 साल पहले। अरे भाई, उस वक्त तो कई लोगों ने सस्ते प्लान के चक्कर में एयरटेल से जियो में स्विच भी किया था। लेकिन अब दुनिया आगे भी तो बढ़ रही है भाई साहब, नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको सस्ते टैरिफ प्लान भी चाहिए और सस्ते टैरिफ प्लान के साथ चाहिए इंटरनेट की अच्छी स्पीड, है कि नहीं? तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस जियो के सस्ते प्लान के चक्कर में आपने एयरटेल को धोखा दिया था, वो एयरटेल आपसे अब बदला लेने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा बदला? तो आपको बता दें, जनाब की देश में हर वक्त हर टेलीकॉम कंपनी 5G ट्रायल्स करने में लगी है और इस 5G ट्रायल में एयरटेल बाजी मार रही है। इस बात से मोबाइल चलाने वाला हर शख्स वाकिफ होगा कि एयरटेल और जियो एक दूसरे की एंटी कंपनीज हैं। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करती रहती है। ये दोनों कंपनीज खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए समय समय पर ग्राहकों के लिए नए नए प्लान लाते रहती है। लेकिन फिर भी अगर आज की तारीख की बात की जाए तो एयरटेल जियो को काफी पीछे छोड़ चुकी है और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि एयरटेल ने 5G ट्रायल में देश की बड़ी कंपनी रिलायंस जियो को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप एक जियो कस्टमर है तो ही आपको दुख होगा, लेकिन अगर आप एयरटेल कस्टमर है तो आप खुश हो रहे होंगे मन ही मन। ये ट्रायल्स इतने जोरों शोरों से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी स्पीड को देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी जल्दी हम देशवासियों को 5G का तोहफा मिल पाएगा। और इसी रेस में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपनी जीत दर्ज करने में पहला कदम रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल सबसे तेज 5G स्पीड हासिल करने में कामयाब रही है और ट्रायल के दौरान इसने अब तक की सबसे तेज यानी कि 1000 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की है। सोचिए, अगर आप लोगों को ऐसी स्पीड फ्यूचर में मिल जाती है तो कितना बढ़िया होगा, है ना? आप 4K रेजोल्यूशन की मूवी को चंद मिनटों में ही डाउनलोड कर पाएंगे। इतना नहीं, एयरटेल कई मामलों में जियो को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। जैसे एयरटेल जियो के मुकाबले अब बेहतर टैरिफ प्लान्स भी लॉन्च करेगा। तो जनता को और क्या चाहिए भाई साहब? 5G स्पीड और किफायती टैरिफ प्लान, बस, जिससे बिना अपनी जेब जलाए कई चीजों का फायदा आप उठा पाएंगे, है ना? शानदार। और यही कारण है कि आने वाले समय में जियो को एयरटेल काफी पीछे छोड़ देगा। वैसे भी अब जियो नेटवर्क अपने वादों में खरा नहीं उतर पा रहा। एक वक्त था जब रिलायंस ने टेलीकॉम बाजार में बड़ा भूचाल ला दिया था। रिलायंस ने टेलीकॉम बाजार की दुनिया में कदम रखा और जियो के सिम को सबसे सस्ते अनलिमिटेड कॉल वाले प्लान के साथ बाजार में उतार दिया। उस वक्त तो जियो नेटवर्क का कोई कंपटीशन ही नहीं था। रिलायंस ने बहुत तेजी से अपना प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले अपने प्लान को सबसे ज्यादा सस्ता रखा था। लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले गए और बाकी कंपनियों का साथ छोड़ता चला गया। इन 3-4 सालों में जियो के ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जबकि बाजार में मौजूद बाकी टेलीकॉम कंपनियां गायब होती चली गई और अब सिर्फ 4 कंपनियां ही हमारे सामने बची रह गई हैं। उस आंधी में सारी कंपनियां उड़ गई और बची आज की तारीख में केवल 4 कंपनियां। जैसे कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जियो जिस वक्त टॉप पर आया था उस वक्त केवल 4 कंपनियां ही थी जो बच पाई थी। इन 4 में से एक तो BSNL, जिसका हाल किसी से छिपा नहीं भैया। ये कंपनी बाजार में है भी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आज की तारीख में काफी कम लोग ही इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जियो के अलावा सिर्फ 2 ही मेन कंपनियां बची हैं, एयरटेल और वोडाफोन। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो अपने जियो के बिल को देखकर आपके मुंह से 4 बातें तो जरूर निकलती होंगी। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जिस वजह से आपने एयरटेल से जियो में शिफ्ट किया था, अपना सिम पोर्ट करवाया था, वो वजह ही आपसे छीन ली गई। जी हाँ, हम अनलिमिटेड कॉलिंग वाले टैरिफ प्लान की बात कर रहे हैं। साथ ही अगर एयरटेल 5G लाने में पहले सक्सेस हो गया तो हम आपकी दुखती रग में हाथ नहीं रख रहे। लेकिन सच बताइएगा, आपको ये तो जरूर लगता होगा कि किस मनहूस घड़ी में आपने एयरटेल छोड़कर जियो में स्विच किया था। लगा कि नहीं लगा आपको? एक बात तो माननी पड़ेगी कि जियो जिन वादों और टैरिफ प्लान्स को लेकर मार्केट में उतरा था उन पर अब खरा नहीं उतरता। जियो ने धीरे धीरे अपने प्लान्स में चेंजेस किए, अनलिमिटेड कॉल का ऑप्शन खत्म किया। साथ ही जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स भी पहले से 21% महंगे कर दिए। नेटवर्क क्वालिटी भी जियो की गिरती जा रही है और 5G की टेस्टिंग को लेकर भी जियो की तरफ से कोई खास खबर नहीं आ रही, इसलिए धीरे धीरे जियो से कस्टमर्स का भरोसा उठता जा रहा है। वैसे प्लान्स के बढ़ते रेट की एक खास वजह भी है क्योंकि इस वक्त देश में जैसे हालात बने हुए हैं उससे स्पेक्ट्रम के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन नेटवर्क कंपनियों को हर तिमाही में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अगर कंपनी अपने टैरिफ प्लान में बदलाव किए बिना ही आगे बढ़ती जाती तो इनका बाजार में बने रह पाना ही नामुमकिन सा हो जाता। और जियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर जियो प्लान्स को महंगा करने का कदम नहीं उठाता तो उसका टिक पाना मुश्किल था। आपको बता दें कि भारत में टेलीकॉम का व्यापार बहुत महंगा माना जाता है। इसमें स्पेक्ट्रम का खर्च, स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का अलग खर्च, नेटवर्क स्थापित करने का खर्च शामिल होता है। इससे भी बड़ी बात ये कि भारत में प्रति यूजर जो औसत आय है वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि भारत में लोग मोबाइल पर बहुत कम खर्च करना चाहते हैं। तो भारत में जिस शख्स के पास भी जियो नेटवर्क है उस शख्स का औसतन महीने का मोबाइल बिल 100-150 रुपए तक आता है। ये दुनिया में सबसे कम खर्च है दोस्तों। इतने कम खर्च में किसी तरह की टेलीकॉम कंपनी का चलना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए ज्यादातर कंपनियां टिकी नहीं पाती है। वैसे एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले इंडिया के टेलीकॉम बाजार में लगभग 10 कंपनियां थी? अब तो आपको इन सब के नाम तक भी बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। उस दौर में इन सभी कंपनियों के बीच में इतना कंपटीशन चलता था कि हमारे और आपके जैसे आम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता था कि भाई साहब कौन सी कंपनी का सिम लिया जाए। इसीलिए जो कंपनी हमको सस्ते टैरिफ प्लान देती थी हम उसके सिम ही ले लेते थे। लेकिन आज के दौर में हमारा काम केवल सस्ते प्लान से नहीं चलता, हमें तो अच्छी इंटरनेट स्पीड भी चाहिए होती है जो हमें मिलेगी 5G स्पीड के सिम से। अब हम इतना 5G के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर ये 5G किस बला का नाम है और ये क्यों जरूरी हो जाएगा आगे चलकर। लोग भले ही 5G को लेकर भावुक हो रहे हों लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि भले ही रिलायंस जियो और एयरटेल की तरफ से ग्राहकों को 5G सर्विस देने का दावा किया जा रहा है लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी 5G का अलॉटमेंट किया ही नहीं गया है। 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट को लेकर जैसी खबरें आई हैं अगर उन पर यकीन किया जाए तो अभी इसमें काफी लंबा वक्त लगने वाला है। इसलिए अब वो लोग जो आए दिन लॉन्च हो रहे 5G फोन्स की तरफ भाग रहे हैं वो जान लें कि कंपनियां लालच देकर आपके पैसे ऐंठ रही हैं केवल। क्योंकि भले ही ये कंपनियां कितने भी 5G ट्रायल्स पास करें लेकिन सरकार की तरफ से जब तक इनका अलॉटमेंट नहीं आएगा आप केवल इनके सपने ही देख सकते हैं। और बात भारत में 5G नेटवर्क की चल रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि 5G की फ्रीक्वेंसी का फॉर्म क्या है। 5G नेटवर्क दो फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है जिसमें एक है 6 GHz और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए 100 GHz से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और भारत इससे अभी कोसों दूर है। अभी कोई शख्स अगर 5G फोन ले भी लेता है तो उसे 4G सपोर्ट ही उसके नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से मिलेगा। और चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान भी लीजिए कि भारत में 5G नेटवर्क आ गया तो क्या आपको क्या लगता है आप तुरंत इसका फायदा उठा पाएंगे? रुकिए, थोड़ा पीछे जाइए और उस दौर को याद कीजिए जब हमारे इंडिया की जनता 3G से 4G पर शिफ्ट हुई थी। तब उस दौर में 4G भी उतना ही बड़ा हवा था जितना आज 5G है। तब उस दौर में 4G टीयर 1 शहरों में ही लॉन्च किया गया था। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हाल 5G का भी होने वाला है, यानी 5G भी 4G की तरह पहले बड़े शहरों में ही लॉन्च होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जैसा स्वरूप है गाँवों और छोटे शहरों में आने में इसे लंबा वक्त लग सकता है। यार आपके क्या विचार हैं 5G को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।